अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स से वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर ने आपसे पूछा ना हाउ आर यू, आपने क्या कहना है? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेटा दिस इज़ योर उर्दू क्लास, टेक आउट योर उर्दू वर्ड बुक, ये आपकी उर्दू की वर्ड बुक है। आज हम उर्दू की वर्ड बुक में काम करेंगे, सो अपनी बुक ले लीजिए। और बुक ओपन करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। सो बेटा अपनी उर्दू की वर्ड बुक में आप ओपन करें पेज नंबर 8, सफ़ा नंबर 8। ये रहा आपकी बुक का सफ़ा नंबर 8। आपने क्या करना है इस पर? बस ट्रेस करना है, पेंसिल फेरनी। सबसे पहले क्या करेंगे? डेट मेंशन करेंगे, तारीख डालेंगे। आज क्या डेट है? 15 सितंबर 2020। मेरे साथ पढ़िए, 15 सितंबर 2020। अब क्या करेंगे? हमने पेंसिल फेरनी है इसमें, ठीक है। क्या है ये? पे की आधी शक्ल है, टीचर आपको पहले क्लास में बता चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो आंटी हैं ये बैठी हुई हैं चेयर पे, है ना, और उनके सामने क्या रखा हुआ है? पंखा। क्या है ये? पंखा। क्या है ये? पंखा। और इसकी जो शुरू की आवाज़ है वो क्या है? प, यानी के पे की आधी शक्ल से ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है, पंखा, पंखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे ट्रेस करेंगे, डॉट पे पेंसिल रखेंगे, पे की आधी शक्ल, और इसके कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। कितने नुक्ते? 3 नुक्ते, और नुक्ते कहाँ पर हैं? नीचे। इसी तरह से इसे ट्रेस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रेसिंग आपने अच्छी अच्छी सी करनी है, लाइन से बाहर नहीं जाना, बहुत प्यारी प्यारी सी आराम आराम से ट्रेस कीजिएगा, ख्याल से। सो बेटा इस तरह से आपने अच्छे अच्छे से ख्याल से ट्रेस करना है ताकि आपका गलत ना हो, और अगर गलत हो भी जाए तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। जब आप अपना काम कर लेंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहेंगे? आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अपने बुक क्लोज करेंगे, उसे बहुत ख्याल से अपने बैग में रख दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।